नमस्कार, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मीरा भाईंदर की नवनिर्वाचित आमदार गीता जैन ने पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता को चटाई धूल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मीरा भाईंदर विधानसभा पर चुनावी मुकाबला पहले ही दिन से बेहद रोमांचक बना हुआ था, क्योंकि एक तरफ भाजपा जहां अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस से दो दो हाथ कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ही सदस्य और पूर्व मीरा भाईंदर मनपा की पूर्व महापौर गीता चंद्र नरेंद्र मेहता के खिलाफ पार्टी के फैसले के विरुद्ध चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर पड़ी, जिसके चलते गीता चंद्र को भाजपा ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था। भाजपा ने नरेंद्र मेहता पर ज्यादा भरोसा जताते हुए नरेंद्र मेहता को उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में मुकाबला द्विपक्षीय न होकर त्रिपक्षीय हो गया और आज हुई मतगणना के बाद गीता जैन ने जीत हासिल करके भाजपा के फैसले को गलत साबित कर दिया। वहीं नरेंद्र मेहता भले ही दूसरे पायदान पर है, लेकिन स्वतंत्र उम्मीदवार से हार गए ये बड़ी फजीहत की बात सामने आई। आइए देखते हैं गीता जैन की जीत के बाद के दृश्य। पेश है यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। लोगों का प्यार, लोगों को मुझ में एक आशा दिखी और उनको कहीं लगा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में गीता जी हैं यहाँ खड़े और मुझ में विश्वास रखा, इसलिए मुझे स्वीकारा है, तो मैं तहे दिल से जनता का धन्यवाद करती हूँ। आज के गीत में यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती? मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जी भर के मुझे प्यार दिया, मुझ में विश्वास दिया और इतने सारे मत दिए कि आज इस पोजीशन में, यानी मैं जीत पोजीशन में हूँ। इसलिए जनता का, सभी मेरे सहयोगियों का, सभी मेरे कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करती हूँ और आप सब पत्रकारों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। इंदर की जनता ने आपको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुना है, क्या भविष्य में आप निर्दलीय रहकर ही मीरा भाईंदर की जनता की सेवा करेंगे या वापस पार्टी ज्वाइन करेंगे? इसका निर्णय मैं समय आने पे, कैसे समय है, कैसे उसके हालात है, उस हिसाब से मैं निर्णय लूंगी और बहुत जल्दी उसका निर्णय लेके आप सभी को जरूर बताऊंगी। कौन से राजनीतिक दलों का आपको समर्थन रहा है? देखिए, मैं राजनीतिक दल नहीं कहूंगी, हर वो नागरिक जो हमारे शहर का है और वो जो चाहता है कि शहर का विकास हो, उन सबका मुझे सहयोग रहा है और मैं दिल से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सेना के लोगों के लिए क्या सोच है? मैं फिर कहती हूँ, मैं किसी दल से नहीं, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस डगर तक पहुँचने में मदद की। जो इस शहर का भला चाहता है, जो जो इस शहर का विकास चाहता है, उन सभी नागरिकों ने मुझे मदद की है। अच्छा, आपकी जीत में, आपकी जीत में शिवसेना का कितना हिस्सा मानती हूँ? मैं फिर कहती हूँ, मैं शिवसेना कांग्रेस ये देख ही नहीं रही हूँ। शहर के वो नागरिक जो इस शहर का विकास चाहते हैं, किसी भी पार्टी से हो, उन्होंने सहयोग दिया है। नरेंद्र मेहता के लिए क्या मैसेज है? मुझे किसी के लिए कोई मैसेज नहीं देना है, जनता ने जो निर्णय लिया है। ऐसे ही और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।